कोटा के इटावा से खबर है, लोडिंग वाहन ने बाइक को टक्कर मार डाली। इटावा के बाईपास रोड की घटना है। घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत की खबर। दोनों ही मृतक युवक अंकित व रामदेव बंबूलिया निवासी बताए जा रहे हैं। इटावा पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। दरअसल देर रात इटावा के खातोली रोड बाईपास की घटना सामने आई। बहन का लगन लेकर इटावा आए थे। शादी की खुशियों के बीच मातम छा गया। दोनों ही मृतक जो है वो बंबूलिया निवासी बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बहन की लगन लेकर वो इटावा आ रहे थे, तो हो सकता है कि वो आपस में भाई हो, रिश्तेदारी उनके बीच में हो कोई, और शादी की खुशियों के बीच जब इस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं, वाकई में बेहद दुख होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जान के भर बनकर आ जाएगी। दरअसल बाइक सवार दो युवक थे, उनकी मौत हो गई। बाईपास रोड की घटना है। दो दिन वाहन ने इस बाइक को टक्कर मार दी। अभी तक तो सामने नहीं आ पाया कि गलती किसकी थी, क्योंकि जो भी जानकारी है, एक लोडिंग वाहन है जिसकी वजह से बाइक को टक्कर लगी। बाइक इतनी जबरदस्त टक्कर की लोडिंग वाहन की वजह से दो लोगों की मौत हो गई जो इस बाइक पर सवार थे। बहन का लगन लेकर वो इटावा आए थे और अब उनके ये खत्म खबर मिल रही है कि अब वो नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। खुशियां थी शादी की, अब वो मातम में बदल गई है। घर वालों का बुरा हाल है रो रो कर। और फिलहाल अभी जांच जारी है, जानकारी जुटाई जा रही है। जो लोडिंग वाहन है उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। इटावा के बाईपास रोड की घटना है। बाइक सवार दो युवक थे, दोनों ही जो युवक है उनकी मौत की खबर है। एक का नाम युवक अंकित बताया जा रहा है, दूसरे युवक का नाम रामहित बताया जा रहा है। बंबूलिया निवासी थे दोनों। हो सकता है कि वो रिश्तेदार हो आपस में, क्योंकि जो जानकारी है देर रात की घटना है और अपनी बहन का लगन लेकर वो इटावा आ रहे थे, तो शादी की खुशियां मातम में बदल गई है। ललित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी उनका रुख करते हैं। ललित, वाकई में बेहद दुखद खबर है। खुशियां थी मातम में बदल गई है, और क्या कुछ जानकारी है? दोनों जो मृतक है, क्या आपस में उनमें क्या रिश्तेदारी थी? जी पूनम, बिल्कुल बराबर। देर रात्रि को करीब 12 बजे एक घटना हुई थी खातल रोड बाईपास पर। जब ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक लोडिंग वाहन था, भारी वाहन था, जिसने टक्कर मारी और दोनों मौके पर ही चकनाचूर हो गए। दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों चचेरे भाई थे। एक दुल्हन थी बुलबुल उर्फ अंजलि, जिसका लगन का प्रोग्राम था, उसका लगन चलवा कर जा रहे थे। अंकित की सगी बहन थी और जो राम है था वो चचेरा भाई था। कुल मिलाकर बहन के लगन में आए थे। एक चचेरा भाई है, एक सगा भाई है, दो भाई थे। दोनों की डेथ हुई है और जो शादी की खुशियां थी कहीं कहीं वो मातम में बदली है। आपको बता दूं, बुलबुल उर्फ अंजलि की शादी 21 मई को इटावा निवासी अंकित बेरवा के साथ ही होनी थी, और मृतक भी अंकित बेरवा ही है, दुल्हन का भाई, और एक राम है, दोनों चचेरे भाई थे जिनकी मौत हुई। गलती किसकी बताई जा रही है? क्योंकि लोडिंग वाहन से टक्कर होना बताया गया है बाइक का, कुछ वजह सामने आ पाई? और जो लोडिंग वाहन था उसका चालक हिरासत में लिया गया है? जी पूनम, अभी न तो चालक हिरासत में आया है और न ही लोडिंग वाहन का पता लगा है कि कौन सा लोडिंग वाहन था। मौके से वाहन चालक फरार हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम से निमट कर जैसे ही रोड पर बाइक से निकले तो रोड पर आते ही इनको टक्कर मार दी। खातल रोड बाईपास पर ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, और घटना में दो चचेरे भाइयों की मौत हुई है और शादी की खुशियां तो मातम में बदली है। हालांकि इटावा थाना अधिकारी धनराज मीणा है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वाहन को पकड़ा जाए और वाहन चालक को भी हिरासत में लिया जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। चलिए, शुक्रिया ललित तमाम अपडेट के लिए।